مغلية من مغلية. ओके सो स्टार्ट करते हैं. सो हम लोगों ने कल बात करी थी किसकी, स्कीमा की. आई होप आपको समझ आया होगा. ओके ओके सो ओके सो आज हम बात करेंगे किसकी. आज हम बात करते हैं ऑपरेशन मास्टर्स की. ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे किसकी बात करते हैं, बात करेंगे ऑपरेशन ऑपरेशंस मास्टर की. ठीक है, ये क्या होते हैं तो ऑपरेशन मास्टर्स बोल लो, या फिर हम इसको हम क्या और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं और एफएसएम रोल. एफएसएम रोल्स आप कुछ ही बोल सकते हो इसको. ठीक है, ये कुछ रोल्स होते हैं जो आपके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं जब आप डोमेन कंट्रोलर्स क्रिएट करते हो. ठीक है, जैसे हम लोगों ने बनाया था पीछे पर डोमेन कंट्रोलर, तो उसमें क्या होगा आपका, वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं. ठीक है, अब एक्चुअल में होते क्या है ये, अगर मैं इनकी बात करूं एफएसएम रोल्स की, ऑपरेशन मास्टर्स की. ठीक है, तो इनका मेनली कुछ काम होता है, मतलब ये क्या है, कुछ बैकग्राउंड बैकग्राउंड प्रोसेस करते हैं. ठीक है, तो आपके जो, अगर मैं ऑपरेशन मास्टर्स एफएसएम रोल्स कुछ भी बोल रहा हूँ इनको, तो अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ ऑपरेशन मास्टर्स एफएसएम रोल्स की, तो ये क्या है, ये आपके डोमेन कंट्रोलर होल्ड करता है इनको. ठीक है, ये पांच होते हैं एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं तो. फर्स्ट ऐसे उसको फर्स्ट बोलते हैं, ऐसे लोगों ने कल पढ़ा भी था स्कीमा. स्कीमा मैंने आपको बताया था कि आपका स्कीमा जो है वो रोल भी है. ठीक है, तो स्कीमा मास्टर आपका रोल भी है, कंपोनेंट भी है. तो एक होता है आपका स्कीमा मास्टर. ठीक है, सेकंड होता है आपके पास डोमेन नेमिंग मास्टर. डोमेन नेमिंग, ठीक है. थर्ड होता है आपके पास आरआईडी मास्टर. आरआईडी मास्टर. फोर्थ होता है उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. मास्टर, ठीक है. और जो फिफ्थ होता है आपके पास, वो होता है आपके पास पीडीसी एमुलेटर. पीडीसी एमुलेटर मास्टर. ओके ठीक है, तो ये आपके रोल्स होते हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फाइव रूल्स, जो हमारे पांच रूल्स होते हैं. ठीक है, ये आपके बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, जो आपका बाय डिफॉल्ट, जो आपका फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है, बाय डिफॉल्ट उसमें सारे पांचों के पांचों रूल्स इंस्टॉल होते हैं. ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों ने यहाँ पे एक आपका सर्वर बना लिया. ठीक है, ये मेरा अगेन सर्वर 2019 जैसे हम लोगों ने इंस्टॉल किया था. देन ये मेरा फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर, मेरा पीडीसी हो गया. ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम लोगों ने डोमेन का जो हमारा नाम हम डिफाइन कर देते हैं, मान लो माय डोमेन का नाम हो गया एबीसी abc.local जो हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है, फाइन. नाउ जब आप, क्या होगा, जब आपका पहला डीसी, तो ये आपका क्या, फर्स्ट डीसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप फर्स्ट डीसी बोलते हो. फर्स्ट डीसी इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आपका फर्स्ट डीसी आपके ऑर्गेनाइजेशन को, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कह लो जो फर्स्ट डीसी आपने बनाया अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या होगा हमारा पीडीसी. ठीक है, और ये और जो आपका जो पीडीसी है जो हमने बनाया है, इस पीडीसी के अंदर बाय डिफॉल्ट ये पांचों के पांचों रूल्स इंस्टॉल हो जाते हैं ऑटोमेटिकली. ये पांचों के पांचों रूल्स आपके इस पीडीसी के अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, ये ध्यान रखना. मतलब ये पांचों के पांचों रूल आपका कंटेन करेगा ये पीडीसी फर्स्ट. ठीक है, अब हम, ऐसा भी है कि हम लोग ये रोल्स डिफरेंट डिफरेंट डीसीज में भी, जैसे मान लो आपके पास मल्टीपल डीसीज हैं, आपने क्या किया, इन पांचों रोल्स को मतलब अलग अलग डीसी में भी आप मेंटेन कर सकते हो, रख सकते हो. ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपके पांचों रोल्स आपका जो फर्स्ट डीसी होता है उसी उसी में इंस्टॉल होता है. ठीक है, उसी को वही कंटेन करेगा. अब जो आपकी मैं रोल की बात कर रहा हूँ, ये आपके रोल्स डिवाइड होते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं इन रोल्स के बारे में,
तो ये आपके जो रोल्स हैं वो टू कैटेगरीज में डिवाइड है कह लो आप। ठीक है, दीज रोल्स आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। ठीक है, ये दो कैटेगरी में डिफाइन होते हैं आपके। एक होता है जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट वाइड रोल्स, फॉरेस्ट वाइड। ठीक है, एक होता है आपके पास डोमेन वाइड। ठीक है, फॉरेस्ट वाइड रोल्स एंड डोमेन वाइड रोल्स, ये आपके दो टाइप के रोल्स होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंदर फॉरेस्ट वाइड और डोमेन वाइड। ठीक है, अगर मैं फॉरेस्ट वाइड की बात कर रहा हूँ तो फॉरेस्ट वाइड में आपके दो रोल्स काम करते हैं। ठीक है, जिसमें जो आपका पहला रोल है जो आपके फॉरेस्ट वाइड में काम करता है, इनको हम फॉरेस्ट वाइड रोल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको बताता हूँ। स्कीमा स्कीमा मास्टर जो आपका पहला रोल है, ठीक है, जो फॉरेस्ट वाइड में आता है, और सेकेंड होता है उसको बोलते हैं डोमेन नेमिंग मास्टर। ठीक है, और जो आपके जो बाकी तीन होते हैं वो डोमेन वाइड में आते हैं, इधर रखना। जो बाकी तीन आपके पास, थर्ड वन आपका जो आता है वो आपका आरआईडी हो गया, आरआईडी मास्टर। ठीक है, एक आपका हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, और जो लास्ट हो गया आपके पास वो हो गया आपका पीडीसी एमुलेटर। वास्तवी आरआईटी की कोई फुल फॉर्म है या हाँ प्लेन आरआईटी? हाँ फुल फॉर्म को बताता हूँ। आरआईडी वैसे बोलते हैं इसको, बट इसकी फुल फॉर्म होती है रिलेटिव आइडेंटिफायर। ठीक है, वैसे वैसे इसको हम आरआईडी मास्टर ही बोलते हैं, बट जो फुल फॉर्म इसकी है वो रिलेटिव आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो हमारे पास फॉरेस्ट वाइड में दो आते हैं, स्कीमा मास्टर डोमेन नेम मास्टर, और डोमेन वाइड में तीन आते हैं आरआईडी इंफ्रा एंड पीडीसी। ठीक है, अब फॉरेस्ट वाइड रोल्स कौन से होते हैं जो सिर्फ पीडीसी में काम करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो ये दो डोमेन, तो दो रोल्स हैं, ये दो ये सिर्फ पीडीसी में काम करते हैं, ओनली वर्किंग इन पीडीसी, ऐसा लिख सकते हो आप इसके अंदर, ओनली रन इन पीडीसी, ओनली वर्किंग इन पीडीसी, ओनली वर्किंग इन पीडीसी। जो आपका पीडीसी है पैरेंट डोमेन कंट्रोलर, ये सिर्फ उसी में काम करते हैं, जो पहले दो है आपके, इनको हम फॉरेस्ट वाइड बोल रहे हैं। ठीक है, बाकी जो तीन है लास्ट वाले, ये आपके हर डोमेन कंट्रोलर में काम करेंगे, इट वर्क्स इन एवरी डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, मतलब आपके मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर, जब आपके आपके पास कैटेगरी होते हैं, बात करेंगे आगे डोमेन कंट्रोलर टाइप्स की, तो आप ऐसे लिखते हो वर्क्स इन एवरी डोमेन कंट्रोलर, एवरी डीसीज। ठीक है, मतलब एवरी डीसी में फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका सी डीसी हो गया, ठीक है, ट्री डीसी हो गया, ये हमारे कुछ डीसी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो आप। ठीक है, तो हमारे पास ये डीसी होते हैं, सी डीसी ट्री डीसी, हम आगे बात करेंगे इनकी। तो एक्चुअली होता क्या है, आपके जो डोमेन वाइड है, मतलब ये हर डोमेन पे काम अलग अलग काम करते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास तीन चार डोमेन नेटवर्क हैं, तो हर डोमेन नेटवर्क के ये जो रोल्स हैं ये अलग अलग होंगे। ठीक है, हर डोमेन नेटवर्क में अलग अलग इंस्टॉल होंगे। ओके, बट अगर आपकी मैं बात करता हूँ फॉरेस्ट वाइड की, तो फॉरेस्ट वाइड सिर्फ दो ही रोल होते हैं, और ये पूरे फॉरेस्ट में सिर्फ पीडीसी के अंदर काम करते हैं, दैट्स इट। तो ये पूरे फॉरेस्ट में एक बार इंस्टॉल होगा। मतलब अगर आपके पास एक कंपनी है, कंपनी में आपके सिर्फ ये दो रोल्स अलग से काम करते हैं, मतलब एक ही बार इंस्टॉल होंगे, बाकी जो आपके डोमेन वाइड रोल्स हैं वो हर डोमेन नेटवर्क में डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉल होंगे, अलग 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 अलग। ठीक है, इस तरीके से देखो, मान लो मेरे पास तीन डोमेन नेटवर्क है, मेरे पास तीन आरआईडी मास्टर काम कर रहे होंगे, अगर मेरे पास पांच डोमेन नेटवर्क है, पांच आरआईडी मास्टर काम कर रहे होंगे, इस तरीके से। तो हर डोमेन नेटवर्क का आपका आरआईडी मास्टर क्या होगा, डिफरेंट होगा, इस तरीके से। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट रहते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है कि भाई ये इनका काम क्या है, पहली चीज अभी हमें नीड क्यों है, इनकी नीड समझ आ गया कि जो ऑपरेशन मैनेज करते हैं पीछे एडी के, बट अब इनकी अभी क्या क्या काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले किसकी, पहले हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं, पहले डोमेन नेमिंग की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं डोमेन नेमिंग से। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या आता है वो हम पढ़ते हैं पहले। अगर तो हम बात करते हैं किसकी, डोमेन नेमिंग की, तो डोमेन नेमिंग जो आपका डोमेन नेमिंग जो आपका मास्टर जो है आपका, ठीक है, इसका मेनली काम क्या होता है, ये आपका जब भी आप
किसी डोमेन को ऐड कर रहे हो, ऐड और रिमूव डोमेन, मतलब मान लो आप कोई भी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपने कोई नया डोमेन नेटवर्क ऐड किया, ठीक है। जैसे मान लो मेरा एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बस मल्टीपल डोमेन नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, और जब भी मैं किसी डोमेन नेटवर्क को ऐड कर रहा हूँ या रिमूव कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे कौन उसको कौन मैनेज करेगा? आपका डोमेन नेमिंग मास्टर। ये पहला काम होता है इसका, एडिंग और रिमूविंग डोमेन्स, ठीक है, एडिंग एंड रिमूविंग डोमेन्स कह सकते हो आप, ठीक है जी, आया समझ में? ओके okay. अगर और सेकंड चीज आप क्या करोगे, ये पहला काम हो गया इसका, ठीक है। सेकंड चीज इसमें और क्या कर सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें एक चीज और आती है, एक कंसेप्ट और हो गया, पहला हो गया एडिंग और रिमूविंग डोमेन्स, सेकंड हो गया आपका डोमेन नेम चेंज, अगर आप कोई डोमेन नेम चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो भी क्या होगा आपका, तो भी आपका इसमें डोमेन नेम मास्टर ही काम कर रहा है बैकग्राउंड में। मान लो भी मेरा डोमेन नेम है abc.com, abc.local, अब मुझे उसको चेंज करना है, ठीक है, मेरे को अपना डोमेन नेम चेंज करना है। तो डोमेन नेम चेंज करने के लिए आप किसका, मतलब जब हम चेंज करेंगे तो उसके पीछे कौन काम कर रहा होगा? डोमेन नेमिंग मास्टर। लास्ट चीज एक और जो है कि डुप्लीकेसी, डोमेन नेम डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी। अब डुप्लीकेसी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डुप्लीकेसी मान लो, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, आपने कुछ मान लो आपने ऑलरेडी एबीसी डॉट लोकल बनाया हुआ है एक डोमेन, ठीक है, अब आप दोबारा वही नाम से डोमेन बना रहे हो, ठीक है, तो ये डुप्लीकेट हो गया। तो कभी भी आप दो नाम से एक डोमेन, तो आप कभी भी दो नाम से दो डोमेन नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते, हमेशा आपका नाम क्या रहेगा, यूनिक रहेगा हर बार। मान लो अगर आपने पांच डोमेन नेटवर्क बनाए हुए हैं, तो पांचों डोमेन नेटवर्क का नाम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो जब भी आप डोमेन नेम डिफाइन करते हो, एबीसी हो गया मेरा डोमेन नेम यहाँ पे, तो मैं दोबारा दूसरा डोमेन का नाम एबीसी प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी चेक करता है, ठीक है। अगर कोई डुप्लीकेसी होती है तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा, इन्फॉर्म करेगा, वो आपको चेंज कर देगा। जैसे मान लो हम लोगों ने एबीसी डॉट लोकल ऑलरेडी बनाया हुआ है, अब सेकंड भी मैं एबीसी डॉट लोकल बना रहा हूँ, तो उसमें क्या करेगा, वो एबीसी कहकर जीरो लगा देगा ऑटोमेटिकली, तो हो जाएगा एबीसी जीरो डॉट लोकल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये कौन चेक कर रहा है सारी चीजें, डोमेन नेमिंग मास्टर, जो आपका फॉरेस्ट वाइड रूल है। आज समझ में आता है? नहीं, ये ग्लोबली चेक करेगा, ये ग्लोबली भी चेक करता है। अच्छा मान लो आपने कोई परचेज किया कुछ, ठीक है, हालांकि अभी हम ग्लोबली काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी हम फिलहाल अगर आप इंट्रा पे काम करो, अपने इंट्रा नेटवर्क पे, मतलब अपने नेटवर्क पे, तो तेंदुआ नेटवर्क ही चेक करेगा, ठीक है। अब मान लो आप जब ग्लोबली भी एक्सेस करते हो कुछ, तब भी वो वेरीफाई करेगा उस चीज को, ठीक है, जब आप ग्लोबली बना रहे हो कुछ, आप लाइव पे काम कर रहे हो कुछ, ठीक है। अब अगर मान लो आपका डोमेन नेमिंग मास्टर अनअवेलेबल है, मतलब ये काम नहीं कर रहा, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं? हम लोग डोमेन नेटवर्क्स को ऐड नहीं कर पाएंगे अपने फॉरेस्ट में, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम आप कोई नया डोमेन नेटवर्क नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अगर आपका कौन अनअवेलेबल है, डोमेन नेमिंग मास्टर आपका जो रोल है, अगर वो अनअवेलेबल है, तो वी आर नॉट एबल टू एक्सेस और वी आर नॉट एबल टू ऐड एनी न्यू डोमेन नेटवर्क इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम कोई भी नया डोमेन नेटवर्क ऐड नहीं कर पाएंगे अगर आपका डोमेन नेम मास्टर क्या है, अनअवेलेबल है, आया समझ में? ठीक है, अब सेकंड आपका स्कीमा मास्टर, जो मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, काम वही है सारा इसका, जो हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, स्कीमा मास्टर का काम वही सेम, एट्रीब्यूट्स एंड क्लासेस मेंटेन करेगा आईडी ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, रीड ओनली कॉपी प्रोवाइड करेगा अदर डोमेन कंट्रोलर्स को, ठीक है, रीड ओनली कॉपी, अपनी अपडेटेड रीड ओनली कॉपी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और रेप्लिकेशन में काम करेगा, जो मैंने आपको तीन पॉइंट्स करवाए थे, बताए थे कल, बताए थे ना कल तीन पॉइंट्स, तो वही आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आप मान लो, अब एक कंसेप्ट आता है इसके अंदर, मान लो अगर आपका स्कीमा मास्टर अनअवेलेबल है, मतलब स्कीमा मास्टर काम नहीं कर रहा, तो उस केसेस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, पहली चीज आप स्कीमा के अंदर कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, हमने ADLDS के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं स्कीमा को, हम मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे स्कीमा को, ठीक है, ये भी लिख देता हूं, इफ इफ स्कीमा मास्टर इज अनअवेलेबल, ठीक
ठीक है, तो क्या होगा, पहली चीज चेंजेस नॉट हैपन इन स्कीमा, ठीक है, चेंजेस कोई नहीं होंगे स्कीमा में. सेकंड, सेकंड अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, मतलब आप कोई स्कीमा से रिलेटेड, जिसपे मान लो इसमें आपको बताया था एक्सचेंज सर्वर जो एप्लीकेशन है, ठीक है, अगर आप उसको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हो तो वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि स्कीमा काम नहीं करेगा. आप स्कीमा काम नहीं करेगा तो आप एक्सटेंड नहीं कर पाओगे स्कीमा को, ठीक है, तो वही है, यू आर नॉट एबल टू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन, प्रिवेंटेड एप्लीकेशन. मतलब अगर आप कोई स्कीमा से, जैसे आपके एग्जाम्पल ले लो एक्सचेंज सर्वर जो मैंने कल बताया था, तो एक्सटेंड स्कीमा नहीं कर पाएंगे हम, नॉट एबल टू एक्सटेंड स्कीमा, ठीक है, स्कीमा एक्सटेंड नहीं होगा तो क्या होगा, आप जो स्कीमा का जो जो मतलब एप्लीकेशन है, जैसे आप एक्सचेंज सर्वर हो गया, आपको इंस्टॉल करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्कीमा को एक्सटेंड करना पड़ता है, तो वो आपका स्कीमा अवेलेबल नहीं है, तो वो हम एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है. लाइक एक्सचेंज सर्वर, नॉट एबल टू इंस्टॉल एक्सचेंज सर्वर, ठीक है, तो एक्सटेंड नहीं होगा स्कीमा तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे एक्सचेंज सर्वर वाली एप्लीकेशन को, ठीक है. मतलब जो आपके एप्लीकेशन स्कीमा को एक्सटेंड कर, जो मतलब जिन एप्लीकेशन में मेरे को स्कीमा को एक्सटेंड करना पड़ता है, मैं वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा अगर मेरा स्कीमा अनअवेलेबल रहेगा, ठीक है. अब एक आता आपका आरआईडी मास्टर नंबर थर्ड. सर हमारा आपको अभी तक कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, अब बात करते हैं आरआईडी मास्टर की. आरआईडी मास्टर क्या प्रोवाइड करता है, एक्चुअल में क्या, आपका जो एडी है वो आइडेंटिटीज पे काम करता है, ये ध्यान रखना, आपका जो एडी है वो किस पे काम करता है, आइडेंटिटीज पे काम करता है. अब आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मान लो आपने यूजर अकाउंट क्रिएट किया, तो उसको आईडी मिलती है एक, ठीक है, जिसको हम आरआईडी बोलते हैं. दो आईडी मिलती है, एक मिलती है आपको, एक मिलती है आपके ऑब्जेक्ट को आरआईडी, और एक मिलती है आपको एसआईडी, ठीक है. आरआईडी क्या है, आपके ऑब्जेक्ट की यूनिक आईडी है, जिसके थ्रू एडी आपके ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है. मान लो आपने कोई यूजर अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है, अब उसको एक आरआईडी मिल गई, ठीक है, अब वो आरआईडी क्या होगी, उसकी यूनिक होगी उस ऑब्जेक्ट की. अब उस ऑब्जेक्ट, उस आरआईडी के थ्रू आपका एडी आइडेंटिफाई करेगी कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, यूजर अकाउंट है या फिर ग्रुप है, जो भी है, हम किस पे काम कर रहे हैं, हम किस ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है. और एसआईडी क्या बोलते हैं, एसआईडी बोलते हैं सिक्योरिटी आइडेंटिफायर. सिक्योरिटी मतलब जो भी आप सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करोगे उस यूजर पे, मान लो आपने कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करी या लगाई, आपने कोई ग्रुप पॉलिसी लगाई मान लो उस यूजर पे, तो वो सिक्योरिटी कहाँ पे मेंटेन होगी, एसआईडी के पास, तो उसको एक एसआईडी मिल जाएगी, ठीक है, एक आईडी मिल जाएगी, इसको बोलते हैं एसआईडी, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, इन्फॉर्मेशन होगी सिक्योरिटी की, भाई ये यूजर क्या क्या एक्सेस कर सकता है, क्या क्या सिक्योरिटी लगी हुई है, क्या क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट है इस यूजर पे, ठीक है. ये जो आईडीज होती है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है, आ समझ में, ठीक है. तो ये हाँ, ये आपकी जो आईडीज होती है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है, ठीक है. तो अगर आप अगर मैं बात करूं आपके एडी की, तो एडी में क्या होता है, एडी आपके हर एक ऑब्जेक्ट को आईडीज प्रोवाइड करती है टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो जैसे मान लो मैं कोई यूजर अकाउंट पे काम कर रहा हूँ, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगी, विद द हेल्प ऑफ आरआईडी, और मैंने उस पर जो परमिशन लगाई हुई है, जो मैंने पॉलिसी लगाई हुई है, जो सिक्योरिटी इंप्लीमेंट की हुई है, वो कहाँ मेंटेन होगी, आपकी एसआईडी के अंदर, ठीक है. अब होता क्या है, अगर मैं आरआईडी मास्टर की बात करूं, तो आरआईडी मास्टर क्या करता है, आरआईडी मास्टर आपकी एडी को एक पूल दे देता है आईडीज का, ठीक है. मान लो आपका आरआईडी मास्टर स्टार्ट हुआ, उसने क्या किया, आपके आपके डोमेन कंट्रोलर को, मतलब आपने आपके एडी को 100 आईडीज का पूल दे दिया. बाय डिफॉल्ट कितनी आईडी प्रोवाइड करता है, पूल के अंदर 100, ठीक है. तो मान लो ये आपका आरआईडी मास्टर है, ठीक है, इसने क्या किया, ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है मान लो, ठीक है, इसने क्या किया, इसने इसने क्या किया, एक पूल इस डोमेन कंट्रोलर को दे दिया, पीडीसी को, कितना, 100 आईडीज का पूल दे दिया, इसमें इसने 100 आईडीज दे दी, आरआईडीज दे दी, ठीक है, 100 आईडीज दे दी उसने, जिसने दी आपके आरआईडी मास्टर,
ठीक है, अब क्या होगा, ये वेट करेगा उस 100 IDs से कंप्लीट होने का। जैसे ही मान लो आपने 100 ऑब्जेक्ट्स बना लिए, आपकी 100 IDs ऑक्यूपाई हो गई, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा से एक पूल और देगा 100 IDs का। तो इस तरीके से क्या करता है, पूल देता रहता है बार 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 बार, मतलब ब्लॉक्स में आपको आईडी प्रोवाइड करता है आपके आपके एडी को, ठीक है। तो अब ये आईडी इसको मिल गई, इस आईडी के बेस पे ये ऑब्जेक्ट बना रहा है। अब मान लो कल को आपका आरआईडी मास्टर क्या हो गया, अनअवेलेबल हो गया, वही सेम कंसेप्ट। अब मान लो आपका आरआईडी मास्टर क्या हो गया, अनअवेलेबल हो गया, तो क्या होगा, जब तक आपकी पूल में आईडीज हैं तब तक तो आप एडी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लोगे। आफ्टर दैट क्या होगा, आप नए एडी ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट नहीं कर पाओगे, मेरी आईडी खत्म हो गई है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आरआईडी मास्टर के पास आईडीज लेने के लिए, आरआईडी मास्टर आपका अनअवेलेबल है, आपका रन कर नहीं रहा, तो उस केस में क्या होगा, आपके आप जो भी आपके नए ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके बाद वो आप क्रिएट नहीं कर पाओगे आफ्टर यू कंप्लीटिंग योर ऑल ऑल आईडीज, मतलब जो आपकी ऑल आईडी ऑक्यूपाई हो जाएंगी पूल के अंदर, जो आप रिक्वेस्ट करोगे नए पूल के लिए, आपका आरआईडी मास्टर अनअवेलेबल है, तो आप क्या नहीं कर पाओगे, इसके अंदर न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर पाओगे। हाँ समझ में, ठीक है, ठीक है। तो वही आरआईडी और एसआईडी जो हमें मिल रही है वो कहां से मिल रही है, आरआईडी मास्टर से मिल रही है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की कोशिश करना कि भाई जब जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, या जो कोई भी आपका ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वो किसके बेसिस पे क्रिएट होता है, आईडी के बेसिस पे क्रिएट होता है, ठीक है। तो आईडी कौन प्रोवाइड करता है आपको, आरआईडी मास्टर, जो पूल प्रोवाइड करता है आईडी का, ठीक है। अब जब वो आईडी का पूल खत्म हो जाता है, मान लो आपको 100 IDs मिल गई, आपने 100 ID 100 के 100 यूजर अकाउंट्स किया, जो भी आपने एडी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए, अब उसके बाद दोबारा जाओगे आईडी मास्टर के पास, वो दोबारा आपको पूल प्रोवाइड करेगा 100 IDs। अब अगर मान लो आपका आरआईडी मास्टर अनअवेलेबल है, तो उस केस में क्या होगा, आपको नई आईडीज नहीं मिलेंगी एंड यू नॉट एबल टू क्रिएट अ न्यू एडी ऑब्जेक्ट्स। उस केस में आप क्या करोगे, न्यू एडी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये काम होता है आरआईडी मास्टर। आरआईडी आपका जो एडी है वो 2 IDs पे काम करती है, आरआईडी एंड एसआईडी। अंडरस्टैंड दिस, आरआईडी इज नोन एज रिलेटिव आइडेंटिफायर, एसआईडी इज नोन एज सिक्योरिटी आइडेंटिफायर। मैं लिख देता हूँ रिलेटिव आइडेंटिफायर, ठीक है। एक होता है आपके पास सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो आरआईडी मास्टर का काम ही होता है, ठीक है जी, समझ में आ गया, यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। तो अगर आपका आरआईडी मास्टर क्या होगा, अनअवेलेबल होगा, तो उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में हम कोई भी नए ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वंस आवर आईडी पूल इज फुल, ठीक है जी। क्या कह रहे हो, हाँ ये पॉइंट, तो पॉइंट बस वही है, इसमें आपको आपको वही है, इसको आप याद कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वही चीज है कि भाई इफ इट इज अनअवेलेबल, हाँ बस वी कैन नॉट एबल टू क्रिएट द एडी ऑब्जेक्ट, सिंपल। इफ इट इज अनअवेलेबल नहीं, लाइसेंस का नहीं है इसमें, आपका जो एक डोमेन कंट्रोलर है वो 5 लाख ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, उसका 1 लाख या समथिंग ऐसे कुछ है, मतलब एक रेंज है उसकी, मतलब एक ना एक एक एक, एक मैक्सिमम रेंज है, ठीक है। मतलब आपका एक जो सर्वर है वो इतना ही ऑब्जेक्ट्स को मैनेज कर सकता है, तो उतनी आईडीज होती है उसके पास। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका है, आपका मतलब जो पूल होता है डिफॉल्ट 100 IDs का ही होता है, ठीक है। अब हाँ वो जो आपका जो पूल दे रहा है आपको आरआईडी मास्टर, जो आपके एडी का पूल प्रोवाइड कर रहा है, वो आपका बाय डिफॉल्ट 100 IDs का ही होता है, ठीक है। तो अगर आप दोबारा बोलो एक बार, यूसेज यही होता है कि अगर आपको एडी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं तो आपको आईडी की नीड है, ठीक है। सर आपको बताया आपको 100 IDs मिल गई, तो आपने 100 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा आपके जो आपकी आईडी कंप्लीट ऑक्यूपाई हो जाएगी सारी की सारी पूल के अंदर, तो फिर आप दोबारा जाओगे आरआईडी मास्टर के पास, वो अगेन आपको 100 IDs प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इन केस अगर आपका आरआईडी मास्टर अनअवेलेबल होता है, तो क्या होगा उस केसेस में,
आप कोई भी नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर पाओगे सिंपल एज दैट, क्योंकि आपके पास आईडीज ही नहीं है, आईडीज नहीं है तो कैसे क्रिएट करवाओगे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ठीक है। अब एक होता है इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको हम अलग से ओपन कर लेते हैं पेंट। ठीक है, बीच में ओके। तो हम अब जो फोर्थ वाली बात कर रहे हैं, फोर्थ क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ठीक है, अब जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर होता है वो क्या करता है, ये करता है, ये आपके जो इंटर डोमेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, इंटर डोमेन ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे मान लो मेरे जो डोमेन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यूजर अकाउंट्स, कंप्यूटर अकाउंट्स और वो सब चीजें, ठीक है, उनके रेफरेंसेस को मेंटेन करता है। ठीक है, मेंटेन्स इंटर डोमेन ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। अब वो चीजें क्या होती है आपको बताता हूं, देखो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि क्या मेंटेन कर रहा है, मेंटेन इंटर डोमेन ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस मतलब जैसे एग्जांपल ले लो, आपका एक ग्रुप है मान लो एक डोमेन में, ठीक है, अब उसका उसने क्या है किसी दूसरे डोमेन के यूजर को अपना मेंबर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है, ठीक है, वो रेफरेंस मेंटेन करेगा कि भाई ये आपका जो ग्रुप है ये किसी और डोमेन का है और इसने किसी और डोमेन के यूजर को मेंबर बनाया हुआ, तो ये रेफरेंस है। आया समझ में? नहीं आया, देखो दोबारा देखो, अगर नहीं आया तो जैसे मान लो ये मेरे पास एक डोमेन है, ठीक है, और एक डोमेन मान लो मेरे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, मेरे पास दो डोमेन नेटवर्क है, ठीक है, ये मान लो हमारे पास डोमेन वन हो गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ये एक मेरा अलग डोमेन नेटवर्क है जो डिफरेंट साइट पे है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपका एक डोमेन नेटवर्क है, यहाँ पे ये डोमेन टू हो गया मान लो, ठीक है, इन दोनों को आपस में हम लोगों ने वैन लिंक के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये हमारा वैन लिंक हो गया मान लो, ये हमारा वैन लिंक है, ठीक है, और ये हो गया हमारा वैन लिंक, ठीक है, और इनको हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है एग्जाम्पल इस तरीके से, ठीक है, अभी दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, डोमेन नेटवर्क वन डोमेन नेटवर्क टू दोनों कनेक्टेड हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, मान लो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बनाया, एग्जाम्पल ले लो ग्रुप वन के नाम से, पता है ग्रुप, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मैंने मान लो एक ग्रुप बनाया ग्रुप वन के नाम से, ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक यूजर है, एग्जाम्पल ले लो डोमेन डोमेन टू में एक आपका यूजर है, ठीक है, यहाँ पे यूजर टू के नाम से एक यूजर है, अब मैंने क्या किया, इस यूजर को क्या बना दिया, इस ग्रुप का मेंबर बना दिया, जो मेरा ग्रुप डोमेन वन में बना हुआ है, ठीक है, उसका मैंने मेंबर किसको बना दिया, यूजर टू को, जो जो आपका यूजर है वो कहाँ पड़ा हुआ है, डोमेन टू में, ये आपका तो यूजर टू है, मैंने इसको इसका मेंबर बना दिया, कदर समझ में आ रहा है, क्या किया मैंने, डायग्राम समझ में आ गया, हाँ जी आगे डायग्राम समझ में, ठीक है, अब यहाँ मान लो यहाँ पे मान लो यहाँ पे आपका क्या पड़ा हुआ है, अब यहाँ मान लो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर पड़ा हुआ है, यहाँ मेरे पास एक इंफ्रा पड़ा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर जो मेरा काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये हर डोमेन पे काम करेगा आपको ऐसे पता ही है, ठीक है, तो ये आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, इस वाले पे, और ऐसे ही आपका इस वाले पे भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर होगा ऑफकोर्स, ये आपका डिफरेंट डोमेन है और ये आपका डोमेन वाइड रूल है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या मेंटेन करेगा, ये जो डोमेन वन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर होगा क्या रेफरेंस मेंटेन करेगा, ये बोलेगा भाई मेरे पास एक ग्रुप है जो मेरे डोमेन का ग्रुप है, इसने डोमेन टू के यूजर को, डोमेन टू का जो यूजर टू है उसको मेंबर बनाया हुआ, तो इसने ये रेफरेंस मेंटेन कर लिया, आ समझ में, ठीक है, ऐसे ये रेफरेंस मेंटेन करेगा कि भाई जो मेरा डोमेन टू है जिसका यूजर टू है वो किसका मेंबर है, डोमेन वन के ग्रुप वन का, ठीक है, क्लियर है, ओके, तो इस बस इसके
फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन ही हाँ ये एक रेफरेंस मेंटेन कर रहा है कि हाँ भाई ये ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्रॉस डोमेन फंक्शंस काम कर रहे हैं, मतलब ये है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस इन्फॉर्मेशन है, मतलब किसी और डोमेन का यूजर मेरे डोमेन के ग्रुप का मेंबर बना हुआ है और वो क्या मेंटेन करेगा, ये किसी और डोमेन का ग्रुप मेरे डोमेन यूजर का मेंबर बना, मेंबर ऑफ है, मतलब मेरा यूजर किसी और डोमेन के ग्रुप का मेंबर बना हुआ है, ठीक है। तो ये रेफरेंसेस मेंटेन कर रहे हैं लोग, ये रेफरेंसेस मेंटेन क्यों की जा रही है, क्योंकि तो मान लो कल को कोई अपडेट आती है, ठीक है, तो वो अपडेट आपकी इस रेफरेंसेस के बेसिस पे आगे उसको, मतलब मान लो मैं कल को मान लो मैं यूजर अपने ग्रुप वन को सर्च कर रहा हूँ, तो वो आपका जो सर्चिंग है वो कहाँ जाएगी, आपके पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के पास जाएगी, मास्टर मुझे रेफरेंस देगा, इंफ्रा क्या करेगा मुझे रेफरेंस देगा कि भाई ये रेफरेंस आप यहाँ से ये है, इसकी इंफॉर्मेशन ये है, तो आप यहाँ से यहाँ पे आपका ये चीजें पड़ी है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो इस तरीके से। तो रेफरेंस मतलब क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है इस बारे में कि भाई मेरा जो एक ग्रुप वन है हमारे डोमेन का, उसने दूसरे डोमेन के यूजर को मेंबर बना रखा है, तो ये आपका एक रेफरेंस उसने मेंटेन कर लिया अपने लिए, मतलब आपके डोमेन नेटवर्क के लिए। अगर कोई कल कोई अपडेट आती है, मान लो आप कोई अभी आपका मान लो जो यूजर टू है, ठीक है, मान लो आपका तो यूजर टू है, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, जो आपका तो यूजर टू है वो क्या कर रहा है, अब वो मान लो उसको उसने चेंज किया कुछ, ठीक है, उसके उसके कह लो मेंबरशिप चेंज हुआ या कुछ भी चेंज हुआ, या मान लो ग्रुप वन में कुछ चेंजेस हुए, तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन वहां भी पहुंचे, डोमेन टू के पास ही पहुंचे, तो ये जो रेफरेंस होगी वो यहाँ भी आगे शेयर होगी इस इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर के साथ, ठीक है। अब ये जो रेफरेंस रख रहे हैं ये किसके बेसिस पे रख रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कल को क्या होता है, अगर मान लो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है, अब मान लो यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका इंफ्रा मास्टर है वो क्या आपका अनअवेलेबल है, ठीक है, मान लो मेरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर क्या हो गया, वो अनअवेलेबल हो गया, मेरा जो इंफ्रा मास्टर हो गया, मास्टर इज अनअवेलेबल, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये अगर अनअवेलेबल हुआ तो इस केस में क्या होगा आपके पास, इस केस में आपका आपका जो ऑथेंटिकेशन है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन है और जो ग्रुप मेंबरशिप में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो आपके हैपन्स नहीं हो पाएंगे, मतलब वो आपका प्रोसेस नहीं हो पाएगा। दो काम होंगे, पहली चीज ग्रुप मेंबरशिप के चेंजेस, अगर मान लो कोई यूजर किसी पहले किसी और ग्रुप में था, ठीक है, उसके बाद मान लो किसी और ग्रुप में चला गया, तो वो क्या हो गया, अपडेशन हुआ, तो वो ग्रुप मेंबरशिप आपकी आपके जो ग्रुप मेंबरशिप की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं मिलेगी, मतलब अपडेशन नहीं मिलेंगे आपको, ग्रुप मेंबरशिप अपडेट्स नहीं होंगे, Not happens, ठीक है। और नंबर सेकंड क्या होगा, नंबर सेकंड होगा ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट यूजर्स नहीं होगा आपका, ऑथेंटिकेट यूजर्स आर नॉट happens, ठीक है, हम यूजर्स को ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों काम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर करता है, ध्यान रखना, ये क्या काम कर रहा है, पहली चीज अगर कोई ग्रुप मेंबरशिप में चेंजेस होते हैं तो वो कौन मेंटेन करेगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर अपने रेफरेंसेस में, ये भाई पहले ये जो यूजर है वो इस ग्रुप का मेंबर था, अब ये इस यूजर का इस ग्रुप का मेंबर हो गया, ठीक है। और दूसरा ऑथेंटिकेशन, आपका जो यूजर की ऑथेंटिकेशन है वो नहीं हो पाएगी, आया समझ में, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, एक कंसेप्ट आपको भी बताया था, एक कंसेप्ट ये आता है कि भाई एक होता हमारे पास जीसी, जो हम लोगों ने आपको बताया था, मैंने आपका एक फिजिकल वो है फिजिकल कंपोनेंट का कंपोनेंट है जीसी, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल कैटलॉग, ठीक है, ग्लोबल कैटलॉग, ठीक है। अब ये क्या आपका, ये भी आपका एक कंपोनेंट है जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है आपके पीडीसी के अंदर, अगर आपके पास पीडीसी पड़ा हुआ है तो पीडीसी क्या बनता है आपका, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। और जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपका, इसको बोलते हैं जीसी, मतलब ग्लोबल कैटलॉग सर्वर हो गए थे, तो क्या भाई, ठीक है, ये कौन बनता है आपका, बाय डिफॉल्ट पीडीसी इज अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, पीडीसी इज अ जीसीएस ग्लोबल कैटलॉग सर्वर आपका, ठीक है। तो होता क्या है इसके अंदर, ये ध्यान रखना, जब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की मैं बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर अपने आपको अपडेट कहां से करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर अपने आप को अपडेट करते हैं कहां से, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर्स के थ्रू,
अगर इनको अपने रेफरेंसेस को अपडेट करना होता है तो इनको अपडेट कहां से मिलती है? ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, अगर मान लो आपके पास ग्लोबल कैटलॉग सर्वर्स नहीं है आपके डोमेन नेटवर्क में, ठीक है, और आपका इंफ्रा भी काम नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होगा, दो प्रॉब्लम होंगी। पहली प्रॉब्लम क्या होगी, ग्रुप मेंबरशिप अपडेट आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, और सेकेंड प्रॉब्लम क्या होगी, ऑथेंटिकेट, आप यूजर्स को ऑथेंटिकेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम होंगी। ठीक है, या तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर हो आपके डोमेन नेटवर्क में, या फिर आपके पास क्या हो, ग्लोबल कैटलॉग हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज, जैसे मान लो मेरा पीडीसी है, जहां मैंने पीडीसी रखा हुआ है, वहां तो मेरा ग्लोबल कैटलॉग होगा, तो मुझे इंफ्रा की कोई नीड नहीं है वहां पे। ठीक है, बट वो डोमेन नेटवर्क जहां पे ग्लोबल कैटलॉग नहीं है, ठीक है, वहां पे मुझे इंफ्रा की नीड होती है, क्योंकि इंफ्रा के थ्रू ही मैं सारा काम, अपडेट्स वगैरह सारी मेरे पास आती है। अगर मेरा इंफ्रा मास्टर नहीं होगा तो क्या होगा, आपका उस डोमेन नेटवर्क पे अपडेट्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपका इंफ्रा भी किया और ग्लोबल कैटलॉग आपके पास है नहीं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास ये दो कंडीशंस, दो प्रॉब्लम्स होंगी। पहली प्रॉब्लम क्या होगी, ग्रुप मेंबरशिप अपडेट्स नहीं होंगी। सेकंड प्रॉब्लम क्या होगी, आपके यूजर्स ऑथेंटिकेट नहीं होंगे। आ समझ में, क्लियर है? हां जी, हमेशा ध्यान रखना आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है वो अपने रेफरेंसेस कहां से अपडेट करता है, ग्लोबल कैटलॉग के थ्रू अपडेट करता है, क्योंकि पहले सारी अपडेट्स कहां पे आती हैं, ग्लोबल कैटलॉग के पास, एंड देन उसके बाद ग्लोबल कैटलॉग क्या करता है, आगे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर्स को आपकी जो रेफरेंसेस है उसके उसको अपडेट करता है। ठीक है, तो जो भी आपके चेंजेस होते हैं, मान लो आपके डोमेन में कोई भी चेंजेस हुए, ठीक है, पहले कहां जाएंगे, आपके ग्लोबल कैटलॉग के पास, ग्लोबल कैटलॉग आपके जो भी इंफ्रा मास्टर्स है आपके पास उसके बाद उनको अपडेट करेगा उनके रेफरेंसेस। ठीक है, और ये सारा काम कौन करता है, एप्लीकेशन करती है। हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सर्विसेज क्या होती है आगे आगे अपकमिंग लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आनी चाहिए चीज जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कह लो कितना कह लो वर्किंग हो रही है आपकी एडी, एडी कैसे वर्क कर रही है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं एडी के अंदर, वो पढ़ रहे हैं, ये कह लो। ठीक है, तो वैसे हमारे रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा सारा कुछ जो आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, नाउ एक जो लास्ट होता है उसको बोलते हैं पीडीसी एमुलेटर। ठीक है, अब ये मेनली काम क्या करता है आपका, टाइम सिंक्रोनाइजेशन का। ठीक है, अगर मैं पीडीसी एमुलेटर की बात करता हूँ तो ये काम क्या कर रहा है आपका, टाइम को सिंक्रोनाइज करता है। ये आप लोग देखते हो, अगर आप अपने डोमेन की बात करो तो आप एक क्लाइंट होते हैं ना। ठीक है, PDC emulator, तो आप देखते हो उसमें क्लाइंट होते हैं वहां पे, तो आपका जो सर्वर है और जो क्लाइंट है, मतलब मानो मैं विंडोज 10 जो मेरा क्लाइंट है और जो मेरा सर्वर है डोमेन कंट्रोलर, उन दोनों का जो टाइम जोन है वो सेम होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, कभी चेक भी करना अपने नेटवर्क, अपने नेटवर्क पर जाके टाइम चाहे डिफरेंट हो, AM/PM का मतलब नहीं है, मतलब यह है कि आपका टाइम जोन सेम होना चाहिए। जैसे मान लो मैं 5:30 यूज कर रहा हूँ अपने क्लाइंट पे, तो मेरे सर्वर पे 5:30 होना चाहिए, तो ही आपका यूजर लॉगिन हो पाएगा। अदरवाइज अगर आपका टाइम सिंक्रोनाइजेशन काम नहीं कर रहा, या कह लो कि आपका टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, मान लो आपने सर्वर में -8 पैसिफिक का टाइम जोन यूज किया हुआ है और आपने क्लाइंट में इंडिया का यूज किया हुआ है +5:30 वाला, चेन्नई न्यू दिल्ली वाला। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में आप जितना मर्जी कम्युनिकेशन कर लो, आपका जो यूजर है, ठीक है, वो उस क्लाइंट पे लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम सिंक्रोनाइजेशन नहीं करना। तो ये टाइम सिंक्रोनाइजेशन कौन करता है आपका, पीडीसी एमुलेटर। इसका पहला काम ये होता है, जो टाइम होता है आपका आपके सर्वर और क्लाइंट के बीच में, टाइम जोन आपका सेम होना चाहिए, इट्स मैंडेटरी। ठीक है, ओके, पहला काम हो गया टाइम सिंक्रोनाइजेशन का, ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका पहला काम क्या है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन, ये आपको पता इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसके दो तीन काम होते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या हो गया, टाइम सिंक्रोनाइजेशन, टाइम सिंक मैंडेटरी। नंबर सेकंड, पासवर्ड अपडेट्स, पासवर्ड अपडेट्स। मान लो किसी यूजर ने पासवर्ड अपडेट किया, पासवर्ड अपडेट्स। ठीक है, मान लो किसी यूजर ने पासवर्ड अपडेट किया, तो पासवर्ड को अपडेट कौन करेगा, पीडी डेटाबेस के अंदर आपका पीडी सिम्युलेटर। ठीक है, जो पासवर्ड चेंज होगा आपका, ठीक है, वो कौन करेगा, आपका पीडी सिम्युलेटर। ठीक है, जो आपका डोमेन कंट्रोलर पीडी सिम्युलेटर मेंटेन करके बैठा हुआ है या होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है, उसका मेन काम क्या होगा, पासवर्ड को चेंज करना। ठीक है, मान लो आपके यूजर ने पासवर्ड चेंज किया,
ओके वो आपका पासवर्ड अपडेट कौन कर रहा है, पेटीएम रिलेटेड, ठीक है जी, क्लियर है तक तो? ठीक है। और एक चीज इसके अंदर और होती है, ग्रुप पॉलिसी में अगर कोई चेंज होते हैं तो, ठीक है, पॉलिसी में अगर कुछ चेंजेस होते हैं ग्रुप पॉलिसी के अंदर, तो ग्रुप पॉलिसी चेंजेस लिख लो आप, वो भी आपका आता इसी के अंदर ही आता है, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी हम आगे पढ़ेंगे, तो ग्रुप पॉलिसी चेंजेस अपडेट्स कह लो, ठीक है, ये तीन काम होते हैं इसके। तो अगर मान लो अब आपका ये पीडी सिमुलेटर अनअवेलेबल होता है तो क्या होगा, पहला काम आपके पासवर्ड्स अपडेट नहीं होंगे, पासवर्ड्स चेंज नहीं होंगे। मान लो कल को मेरे यूजर ने, आज मेरे यूजर ने पासवर्ड चेंज किया और मेरा पीडी सिमुलेटर काम नहीं कर रहा, तो उस केस में क्या होगा, आपका वो यूजर लॉग इन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास ओल्ड पासवर्ड होगा, क्योंकि इसके पास क्या होगा, डेटाबेस में ओल्ड पासवर्ड होगा, उसने पासवर्ड चेंज कर लिया, ठीक है। अब पर एडी के डेटाबेस में तो क्या होगा, ओल्ड पासवर्ड होगा ना, क्योंकि भाई वो आपका पीडी सिमुलेटर काम नहीं कर रहा, उसने अपडेट नहीं किया पासवर्ड, और जब वो न्यू पासवर्ड से लॉग इन करने की कोशिश करेगा तो वो लॉग इन नहीं कर पाएगा, ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो ये प्रॉब्लम्स होंगी इसके अंदर, ठीक है, वही पासवर्ड लॉगिन नहीं कर पाएगा, आपकी ग्रुप पॉलिसी में कोई चेंज करोगे तो वो चेंज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका पीडी सिमुलेटर काम नहीं कर रहा, और टाइम सिंक्रोनाइजेशन क्या होगा, नहीं हो पाएगा। अगर मान लो आपने टाइम जोन चेंज किया हुआ है दो डिफरेंट आपके क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो वो जो आपका सर्वर है या जो क्लाइंट है उस क्लाइंट पे आपके सर्वर्स के जो भी यूजर्स है वो लॉग इन नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आपका पीडी सिमुलेटर काम नहीं करेगा। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर, ये सबसे इम्पैक्टफुल रोल पूछा है, मान लो मेरा कोई कोई ऐसा पांच में से ऐसा एक रोल है तो ज्यादा इम्पैक्टफुल है, अगर वो मान लो बंद हो जाता है तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके नेटवर्क पे, वो कौन सा है, पीडीसी एमुलेटर, उसका आंसर क्या है, पीडीसी एमुलेटर, ठीक है, पीडीसी एमुलेटर आपका सबसे इम्पैक्टफुल रोल है, अगर ये बंद होता है तो आपका मोस्टली काम रुक जाता है, टाइम इंटरवेंशन नहीं होगा, पासवर्ड बेस्ड नहीं होगी, ग्रुप पॉलिसी चेंजेस नहीं होगी, तो ये आपके बेसिक काम है एडी के जो रुक जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पैक्टफुल रोल इन दीज फाइव, तो आंसर है पीडीसी एमुलेटर, क्या होगा उस केस पे, अगर ये अनअवेलेबल हुआ तो टाइम सिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाएगी, पासवर्ड अपडेट्स नहीं होंगे, यूजर लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और ग्रुप पॉलिसीज चेंजेस नहीं होंगे। नहीं तो नहीं नहीं ये साथ साथ में काम करते हैं भाई, जब आप अपना पीडीसी बनाओगे तो पांचों रोल्स आपके इकट्ठे इंस्टॉल हो जाएंगे पीडीसी के अंदर, ठीक है, और ये मिलके काम कर रहे हैं, या इनका काम करने का तरीका अलग अलग है, मतलब ये, ठीक है, स्कीमा का काम करने का तरीका अलग है, इनका डोमेन नेमिंग का काम करने का तरीका अलग है, ठीक है, उसका वे अलग है, उसका काम करना अलग है, आरआईडी काम अलग करता है, पीडीसी काम अलग कर रहा है, इंफ्रा काम अलग कर रहा है, बट ये आपके इकट्ठे मिलके काम करते हैं, काम में सारे एडी के अंदर ही कर रहे हैं, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है, सिंपल सी बात है, और हम इन रोल्स को अलग अलग डोमेन के टेबल्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा मान लो आपने पीडीसी में क्या रखा, सिर्फ स्कीमा और डोमेन नेम रखे, बाकी वो तीन आपके मैंने अलग अलग डोमेन कंट्रोलर्स में डिफाइन कर दिया, मतलब ठीक है भाई ये जो आपका आरआईडी है वो डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर में है, और आपका इंफ्रा वो डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर में, वैसा भी कर सकते, आप इन रोल्स को डिफरेंट डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर्स में भी रख सकते हो, कंटेन कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर मैं बाय डिफॉल्ट की बात करूं तो पीडीसी पांचों रोल्स को मेंटेन करेगा, अगर आप दूसरे डीसीज बनाते हो जैसे सीडीसी आपने बनाया तो सीडीसी सिर्फ तीन रोल को मेंटेन करेगा, वो कौन से है, आरआईडी, इंफ्रा और पीडीसी, दैट्स इट, ठीक है, जो आपके स्कीमा डोमेन नेमिंग है वो सिर्फ पीडीसी पे ही काम करेगी, आया समझ में, क्लियर है, ओके। तो ये आपके पांच रोल्स हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एडी का, ठीक है, ये आपकी जो रोल्स होंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको आपको मेंटेन करना और इनको मैनेज करना जरूरी है, ठीक है, ओके जी, हम सीजिंग वगैरह कर सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको कल दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करते हैं एक बार इसका, ठीक है, देखेंगे कि कहाँ मिलते हैं हमें सारे रोल्स, ठीक है, मतलब मंडे का प्रैक्टिकल करते हैं इसका, हम इसको देखेंगे कहाँ कहाँ मिलते हैं रोल्स हम लोगों को, ठीक है, कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं रोल्स को, तो हमें कहाँ कहाँ दिखते हैं, कमांड लाइन के थ्रू भी और ग्राफिकल GUI के थ्रू, ठीक है जी।
ओके।